मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो साथ में एक अच्छे एक्टर भी हैं। उनके डायरेक्टर और राइटर मनोज जेठवानी जी, जिन्होंने हमें इस मूवी के लिए इन्वाइट किया है। तो अभी तो मूवी थोड़ी देख पाए हैं हम, तो आफ्टर मूवी मैं सारी चीज़ें बता पाऊंगी। लेकिन जो भी मैंने अभी तक देखा है वो काफ़ी अच्छा लगा कि गर्ल्स को जो भी हमारी आम जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डेडिकेट करके मूवी बनाई गई है। जो इसका टाइटल है बेटियों की बल्ले बल्ले, तो वो वैसे भी बेटियों की बल्ले बल्ले होनी चाहिए। तो आई थिंक हमारे सोसाइटी में इस टाइप की प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती रहती है, तो उन प्रॉब्लम से हमें कैसे छुटकारा पाना चाहिए, उससे हमें अपने आप को कैसे सिक्योर करना चाहिए। तो ये मूवी एक मैसेज पास कर रही है जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, जो स्कूल के बाद में इलेवेंथ में या ट्वेल्थ में कॉलेज जाती हैं। तो अभी तक मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मूवी देख के। हाँ जी, इस टाइप की मूवीज़ मार्केट में आते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाती। उनको ये रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमें फ्रीडम नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पेरेंट्स आपको फ्रीडम देते हैं लेकिन उनको आपकी टेंशन होती है। इस वजह से वो आपको बोलते हैं कि बेटा आप इस टाइप के कपड़े मत पहनो, आप ऐसे मत जाओ, आप अकेले मत जाओ, या लेट नाइट आप कहीं आउटिंग पे स्टे मत करो। तो इस मूवी में वही दिखाया गया है जो आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मूवी में जो भी मैसेज पास किया है लड़कियों के लिए वो काफ़ी अच्छा पास किया है, ताकि लड़कियों को कुछ सीखने को मिले कि बच्चा अगर आप अपने पेरेंट्स की या अपने आसपास बड़ों की बात नहीं मानते हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ में होती रहती हैं। फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, तो उससे एक गलती करके आप 10 गलतियां करते हैं। कुछ आइडिया नहीं था उसके बारे में, और ये मूवी रिलीज़ भी है तो बेटियों की वैसे ही बल्ले बल्ले हो गई। मूवी रिलीज़ हो गई तो काफ़ी लड़कियों को एक अच्छा मैसेज पास हुआ है। रिसेंटली भी मैं कुछ मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ, मतलब सीरियल भी है और मेरी साउथ मूवी का है। बस आप वेट कीजिए कि जल्दी ही पम्मी आपको गुड न्यूज़ देगी। थैंक यू। अच्छी है, और जो आज की मतलब आज की तारीख में बोलते हैं ना कि लड़कियाँ, हमने सुन रहे हैं लेकिन न्यूज़ में ये वो, तो उस हिसाब से दिखाया गया कि आज की तारीख में लड़कियाँ कुछ कम नहीं है, कि लड़कियाँ भी अपने हक के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लड़ सकती है। इस टाइप का कुछ अच्छा सा मैसेज लेके ये फिल्म, अच्छी फिल्म बनाई गई है। तो अब तक इंटरवल हुआ है, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आगे की अभी आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वो देखने अंदर जाऊँगी वापस। एग्जैक्टली मतलब ऐसे मोटिवेशन वाली फिल्म है जो फीमेल को मोटिवेट कर रही है, मतलब उसके हक के लिए लड़ने के लिए। तो ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हर 10 फिल्म में एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए। माय नेम इज़ पीयू चौहान, इट्स अ मूवी राइटर एंड डायरेक्टर नेम इज़ मिस्टर मनोज नथवानी, एंड मूवी नेम इज़ बेटियों की बल्ले बल्ले। इट्स अ वेरी अमेजिंग मूवी एंड इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड मूवी, सो आई लव इट। एंड बिकॉज ऑफ आवर सोशल एंड वेरी अमेजिंग मूवी, इंटरेस्टिंग, जीत वर्क इज गुड, एंड ऑल स्टार क्रू वर्क इज ऑल्सो गुड। नथवानी सर इज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड मूवी सो आई लाइक इट। इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग, सो बेटियों की बल्ले बल्ले आप ज़रूर देखिए, मनोज जी की मूवी। सो ऑल द बेस्ट, एंड इज ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई गिव 4 stars because of its subject is a very strong, it's a female oriented movie, so I like it, and thank you so much, all the best. इस तरह की मूवी ऑफकोर्स आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारा जो सोशल है वो मेल ओरिएंटेड है, और सिर्फ मेल ही सब कुछ कर सकते ऐसा नहीं है, फीमेल बहुत कुछ कर सकती है। फीमेल ओरिएंटेड मूवी इज लाइक अमेजिंग, एंड गर्ल्स को सब कुछ कर सकती है। या इट्स करेक्ट, ऑफकोर्स आई एम फैशन मॉडल, आई हैड डन नाउ पाउले फैशन शो इटली, एंड सेकेंड लैक्मे फैशन वीक, एंड नाउ आई एम डूइंग 26 वाइजाक फैशन वीक, सो दैट्स इट। ये फिल्म है मनोज
नाथवानी जी डायरेक्टर है, बहुत सुपर फिल्म बनाई है अभी तक जो हमने देखी है, बहुत अच्छी लगी, सचमुच बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये जो सताया जाता है मतलब मर्जी के बगैर लड़कियों को, वुमन्स को, ये बात अच्छी नहीं है। जो भी हो मर्जी से हो तो अच्छा लगता है, जबरदस्ती दारू पिला के या फिर कुछ भी ऐसे करके टपोरी टाइप, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है ये सब, अपने लिए ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे भी यही चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इस मूवी से कोई मैसेज जा रहा है, एक सोशल मैसेज जा रहा है कि लेडीज़ के लिए कितना सेफ है और कितना नहीं है। तो आप ज़रूर देखिए इस मूवी को, अमेजिंग है, बहुत अच्छी है मूवी। थैंक यू। अभी तक जितना भी देखा बहुत अच्छा था। आया है मेरी फिल्म है तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट फिल्म में मेरा डेब्यू है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। स्पेशल थैंक्स टू मनोज नथवानी सर जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, धवन मेवाड़ा, जीत सर, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एक डेब्यूटेंट एक्टर हूँ या मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करी हूँ। आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल। मैं एक मॉडर्न लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ, मेरा कैरेक्टर का नाम काव्या है। और उसके अलावा कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं मेरी लाइफ में, कैसे आपको शेड्स मिलेंगे मेरे कैरेक्टर में, जब आप थ्रू आउट द फिल्म जाओगे तो आपको दो तीन शेड्स हैं मेरे कैरेक्टर्स के जो आपको देखने मिलेंगे। खुश हूँ मैं ये नहीं चाहती कि किसी और की फिल्म रिलीज़ ना हो या रुके, ऐसा कोई मेरा मन में कोई ये नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो मोदी रिलीज़ हो या ना हो, लोगों को फिल्म पसंद आएगी तो वो ज़रूर आएगी। किसी की फिल्म रुकने से हमारा फ़ायदा या नुकसान डिपेंड नहीं करता है। आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा था, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी राइट नाउ। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा, आई डू नॉट फील कि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है। थैंक यू यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड थैंक्स टू मनोज नथवानी सर जिन्होंने मुझे इन्होंने लायक समझा एंड इन्होंने मुझे रोल ऑफर किया। मैं राधिका का रोल कर रही हूँ एंड बहुत पॉजिटिव रोल है मेरा। और कैसे कैसे एक लड़की होते हुए दूसरी, मतलब मैं समझ पा रही हूँ, यू नो द थिंग इज़ कि लड़कियों के साथ जो होता है वो सब नहीं समझ पाते। कैसे मैं मेरी फ्रेंड के साथ जो एक एक सिचुएशन हुआ है उसके बाद कैसे मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, कैसे उसके साथ हर टाइम लगी हुई हूँ उसको जस्टिस दिलाने के पीछे। लाइक इट्स वंडरफुली ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट। एंड और एक बात, आज ही फिल्म रिलीज़ हुई है तो दो शोज हैं फुल गए, इन्होंने काफ़ी लोगों ने बोला इट इज़ रियली रियली नाइस मूवी एंड इट इज़ अ टाइम टू से बल्ले बल्ले मूवी बहुत अच्छी है। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू सो मच। 10 out of 10। इनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। मोदी अच्छी है और अभी तो मतलब आप टाइम में अभी और उसमें जान आ जाएगी। और स्पेशली लड़की ने बहुत ही अच्छा काम किया है और चेतन भाई मेरे भाई है और उनको बधाई देता हूँ कि पहली फिल्म है उनकी और जोश शोश से चले सब जगह। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये हर एक लड़कियों को देखना चाहिए। ये मूवी उनके ऊपर है। ऑल द बेस्ट विश पूरी टीम को। सब थैंकफुल टू संग्राम जी शिरके। आप आ जा रहे स्टार देने की बात करें तो कितने स्टार देंगे? ऑल स्टार्स। अब स्टार तो पब्लिक देगी, लेकिन इन्होंने जो मेहनत की है तो डेफिनेटली मैं आउट ऑफ 10 इनको जरूर 7 दूंगा। सबसे बड़ी बात आज मोदी ने जो दी थी, मोदी की जगह ये नहीं, मोदी एक अलग ही उसका ये था, लेकिन ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, स्पेशली डायरेक्टर को भी आपको ये देना पड़ेगा कि इतने नए लोगों को लेके इतने ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी आप दूसरे फिल्मों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक का अपना अपना वजूद होता है। बट जो इस फिल्म को मैं ज़रूर लोगों को कहूँगा कि ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि आज का विषय है लड़कियों को हमेशा कम समझा जाता है, तो ये पिक्चर देखने के बाद उनकी थोड़ी सोच बदलेगी। फिल्म देखा मैंने, बहुत अच्छा है। लड़की लोगों को कैसे स्ट्रांग होना है, कैसे आज के जमाने में रहना है, उसके ऊपर एक फिल्म बनाई है। फिल्म बहुत ही अच्छी है। डर के नहीं रहना है, हिम्मत करके रहना है और आगे कैसा बढ़ना है। कौन से सिनेमा में लगा हुआ है और कौन से ऑडी में लगा हुआ है? ये अभी कार्निवल में लगा हुआ है।
अच्छी लगी। और ये एक्चुअली है ना, आज के बेटियों के बारे में है कि बेटियों को कैसे रहना है, डर के नहीं रहना है बेटियों को, इसके बारे में, इस बेटियों के बारे में बताया है। आपने जो पूछा वो बताया नहीं जाता है, जो हमको फिल्म में ऐसा लगा उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। कैसा लगा फिल्म? नहीं, बहुत बढ़िया फिल्म है, एक नंबर है। लड़कियों को कैसे स्ट्रांग करना है उसके लिए ये पूरा फिल्म, एक बार जरूरी सबको जाके देखना है। अच्छा, अपील करेंगे और लड़कियों को तो खास, यानी सबको देखने के जैसा है कि लड़कियों को कैसे रहना है और लड़के लोगों को, आदमी लोगों के भी उनके साथ किस तरह से करना है, वो जरूरी है उसमें। ये जमाने में क्या लड़कियां स्ट्रांग होनी चाहिए, हाँ, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म बेस है। कितने स्टार देना चाहेंगे? हम लोग 5 स्टार के ऊपर देना चाहते हैं इसको। हम लोग 4 स्टार। थैंक यू। लड़कियों की बल्ले बल्ले देख के आए हैं, महिलाओं ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। बेटियों के लिए ये फिल्म फैमिली के साथ देखनी चाहिए ताकि एक लड़कियों को समझ आए कि लड़कों से कैसे लड़ना चाहिए, कैसे उनसे जीत हासिल करनी चाहिए। अभी आज हम ये सब महिला मिलके एक ये करेंगे कि अपनी बेटियों को बल्ले बल्ले करके लड़कों को सिखाएंगे कि कैसे हम लोगों को उनसे लड़ना है। आज के बाद कोई लड़कियाँ ऐसे हारेगी नहीं। अच्छा है, स्पेशली फॉर वुमन्स, आप ज़रूर आके देखिए। इट्स अ मोटिवेशनल मूवी फॉर ऑल दी वुमन्स, और आप प्लीज ज़रूर देखिए। इतना ही। क्या कुछ खास लगा? नहीं, काफ़ी अच्छा है मूवी। मीन्स क्या है कि ये मूवी पूरा बेटियों पे ही है, बेटियों को कैसे एक फादर टीच करता है वो उसके ऊपर, ये तो मतलब वही अच्छा पार्ट है पूरा मूवी का। अच्छा, 4.5 दूंगा। इट्स अ वेरी गुड मूवी। थैंक यू।